नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन जीवन रेखा हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। स्पोर्ट्स इंजरीज जो टॉपिक है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे लिगामेंट इंजरीज, मांसपेशियों में इंजरीज, या स्पोर्ट्स खेलते वक्त अगर कोई इंजरीज होती है, ऐसे केसेस को हम ट्रीट करते हैं। अब बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, उनके नी में, एंकल में और शोल्डर में ये बहुत सारी इंजरीज होती है, और ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए इसके स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं, वही इसको ठीक करते हैं। हर ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पोर्ट्स इंजरी का काम नहीं करता है। स्पोर्ट्स इंजरी का जो सेक्टर है, उस सेक्टर में हमारा जो डिवीजन है, ये स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट है, उसमें हम इसकी स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसको हम क्लिनिकली, कोई भी पेशेंट को जब भी कोई इंजरी होती है तो हम क्लिनिकली इवैल्यूएट करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं। चेक करने के बाद में एक माइंड में क्लैरिटी आती है कि इस पेशेंट को इस प्रॉब्लम की ये इशू हो सकती है। जैसे अगर हम नी के देखें तो उसमें एसीएल लिगामेंट, ये बहुत ही कॉमन इंजरी होती है जिसमें घुटने के जो लिगामेंट है वो टूट जाता है या वो फट जाता है। बट अगर वो इनिशियल ग्रेड्स में है, या वो बस थोड़ा सा फटा है, पूरा टायर नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा लूज हो रखा है, तो ऐसे केसेस में हम अच्छे से रिहैबिलिटेशन करके, अच्छे से कुछ मेडिसिन देके इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, कोई सर्जिकल नहीं जाता है। बट अगर वो कंप्लीट टेयर है और उसको हमने अगर इग्नोर कर दिया और उसको ठीक नहीं किया, तो क्या होगा कि वो और भी चीज़ों को ख़राब करेगा। जैसे साथ साथ मेनिस्कस को भी ख़राब कर लिया, कार्टिलेज को भी ख़राब कर लिया, तो जो ठीक होने वाली चीज़ होगी वो ठीक ना होकर वो परमानेंट डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हमारा काम आता है कि हम इसको अर्ली इंटरवेंशन करें या अर्ली डायग्नोसिस करें। अर्ली डायग्नोसिस के बाद में हम उसको एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, या तो MRI या तो एक्सरे, और वही चीज़ जो हम सोच रहे हैं, वही चीज़ जब इन्वेस्टिगेट करके उसमें फाइनली आ जाएगी तो उसको हम ठीक करते हैं। अब पुराने ज़माने में ऐसे कोई भी इंजरीज होती थी, पहले तो इसको हम जो डॉक्टर्स थे वो उसको छोड़ देते थे या इग्नोर होता था और इसकी ट्रीटमेंट हो नहीं पाती थी। बट आज के तारीख में बहुत अच्छी अच्छी एडवांसमेंट आ गई है, और जो भी लिगामेंट इंजरीज होती है उसको बिल्कुल ठीक होने के बाद, चाहे सर्जिकली चाहे नॉन सर्जिकली, इसको बिल्कुल ठीक होने के बाद वापस से एथलीट अपने पूरे स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस परफेक्टली करता है। चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे वो ओलंपिक लेवल हो, कोई भी लेवल के एथलीट जो होते हैं वो वापस से अपने फिर से मेडल लाते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो वही पूरे बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड से है। तो हम काफ़ी सालों से इस प्रैक्टिस में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हम इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हज़ारों लोग हमसे ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं। अगर आपको कोई भी शोल्डर की, नी की, एंकल की, लिगामेंट्स की इशू हो, या आपके खेलते वक्त कोई चोट लग गई है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। या तो हमसे या कोई और स्पोर्ट्स जो सर्जन आपके आसपास है उनसे आपको इसकी सलाह लेनी चाहिए, ताकि ये बढ़े नहीं और आप इसको टाइमली ठीक कर सको और अपने पूरे स्पोर्ट्स में वापस से अच्छे से जा सको। थैंक यू सो मच।